नमस्कार मुतापश्विनी गोटे पटे कोरोना रो द्वितीय लहर ताको मुकाबला करबा पई रणनीति प्रस्तुति एवं केमती मुकाबला करा जिबा से नै कि चिंता आ गोटे पटे चिंता बढ़ाइलेनी ब्लैक फंगस कोरोना संक्रमण बेले एबे ब्लैक फंगस सारा देशर चिंता बढ़ाई छि। राज्य रे चिन्हट होइतबा प्रथम ब्लैक फंगस रोगींकर मृत्यु होइ छि, तांकर हृदघातरे मृत्यु होइतबा कहा जाउछि। सेबडे देशरे बढ़ुतिबा ब्लैक फंगस रोगींकु नै सतर्क कराइछन्ति दिल्ली एम्स निर्देशक डाक्टर रणदीप गुलेरिया। स्टेरॉइड अपव्यवहार कारणरु ब्लैक फंगस संक्रमण बढ़ुतिबा कहिछन्ति दिल्ली एम्स निर्देशक। तेबे मधुमेह कोविड रोगींक क्षेत्र रे स्टेरॉइड अधिक व्यवहार जोगु ब्लैक फंगस संक्रमण नै आशंका अधिक रहिछि, तेणु एहाकु कम व्यवहार करबा उपरे गुरुत्व दैछन्ति दिल्ली एम्स निर्देशक डाक्टर रणदीप गुलेरिया। सेबडे कोविशील्ड टीकार दुईटी डोज भितर व्यवधान को नहीं भारत और ब्रिटेन मध्य देखाई पातर अंतर। भारत कोविशील्ड टीकार द्वितीय डोज 12-18 सप्ताह बढ़ाई एवं सेपटे इंग्लैंड किंतु कोवैक्सीन रो द्वितीय डोज टीकार अवधि को कमाई देछि। भारत में द्रुत संक्रमित होउथिबा जो भूताणु को देखि इंग्लैंड एपरी पदक्षेप नहीं कहुच्छे। कोविशील्ड टीकार प्रथम डोज नेबार समय अवधि को भारत सरकार 12-18 सप्ताह को वृद्धि कराइथिबा नै निर्देशनामा जारी करा जाइछि। पूर्वरु एथिपाई 6-8 सप्ताह समय दिया जाइथिला। नियम बदलिबा परे कोविन पोर्टल ने मध्य एही समय व्यवधान को बदलाई दिया जाइछि। विशेषज्ञ कहिबा कथा कि जे भारत रे कोरोना स्थिति को नियंत्रण को आनिबा को हेले प्रथम डोज उपरे फोकस दिया जबा जरूरी। सेबडे भारत रे कोवैक्सीन ओ कोविशील्ड परे खूब शीघ्र उपलब्ध हेबो रूसिया टीका स्पुटनिक वी। कोविन एप रे स्लॉट बुकिंग बेले ऑप्शन रे शामिल होइछि स्पुटनिक वी। तमाम घटना को नहीं आज आलोचना ब्लैक फंगस आतंक एवं कोरोना मुकाबला रे टीकार गुरुत्व। आम सहित अच्छा आलोचना पई बबिता राणी, स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज साहू, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रफुल्ल बेहरा मध्य अच्छा स्वास्थ्य विशेषज्ञ। प्रथम जवाब चाहिए डॉक्टर मनोज साहू को पाखक। डॉक्टर साहू आपण को एबे दायित्व मिल सारी कोविड दायित्व मिल सारी प्रकृत राज्यर स्थिति कौन देखुं कि राज्य में सहरांचल मान खास कर राजधानी रे कोविड स्थिति वर्तमान कौन अच्छी। नमस्कार तपस्विनी मैडम, जदि राज्य स्थिति विषय आलोचना करी आपण देखंतु ओडिसा रे एबे भी 11,000 रु बेसी नुवा पॉजिटिव चिन्हट करा जाउछि। 12,000 रु बेसी मध्ये हमें क्रॉस करी सालुनी। आपण गोटे जिनिष देखंतु अमर जेतिके नंबर रिकवरी होउछंती जेतिके नुवा केसेस एबे भी हमें लाग करूछु, माने रिकवरी नंबर नुवा केसेस तो बहुत कम अछंती। कि जदि भारत कथा चिंता करिवे महाराष्ट्र कथा चिंता करिवे सेमन रिकवरी नंबर बढी चालिछि। आमर ओडिशा रे एक्टिव केसेस संख्या लक्षे रु बेसी टपिलाणी। जो भुवनेश्वर कथा कहउछंती खर्धा जिला आपण देखंतु खर्धा रे 1710 जोटा कि 2000 भी टपि सारिछि। खर्धा रे बढी चालिछि, पॉजिटिविटी रेट पत्ते बढी चालिछि। ओडिशा रे 5टी जिला रे न्यू केसेस पॉजिटिव 500 रु बेसी रहउछि। 28टी जिला रे 100 रु बेसी रहउछि, केवल 2टी जिला 100 रु कम अछंती। जदि देखिबा ओडिशा रो जो इन्फेक्शन रो स्थिति कोन आमर एबे भी पॉजिटिविटी रेट 20% रु बेसी अछि, किंतु भलो जिंस होउछि किछि दिन पूर्व 22% रु बेसी थिला एबे 20% रु पहुचिलानी। तेणु इन्फेक्शन बहुत जो भयंकर भाव में बढ़ुला एबे टिके अल्प कमिबारे लागिछि, किंतु एबे भी आतंक अछि कारण इन्फेक्शन बढ़ी बढ़ी चलिछि। संबलपुर विषय ग्रामांचल विषय आप आलोचना करते संबलपुर में देखो किदिन पूर्व पॉजिटिविटी रेट थी 57% एवं 31% पहुंचला, कितु खोर्धार एवं भी 30% रु बेसी रोच। मोर कह उद्देश्य ओडिशा एवं इन्फेक्शन भयंकर भाव में बढ़ी चलती, किंतु गोटे पॉजिटिव जिनस पॉजिटिविटी रेट अल्प किसी कमुच। तेणु एवं जो आम नियमावली मानुछ लॉकडाउन करिछु ताकु जदि ठीक भाव में इफेक्टिव करू और सरकार को सहयोग करिबो नियमावली मानिबो मु काहेकि ना मु काहेकि कहुछि कोविड पेशेंट करो बहुत पाखरु मु एबे देखुछि मु जानुछि सिचुएशन कोन तार भयावहता जानुछि। तेणु एबे समय आसी जाइछि काहेकि तपस्विनी मैडम देखंतु ए जो सेकंड वेव रे इन्फेक्शन प्रथम लहर टु बहुत अलगा ये भयंकर भाव रे स्प्रेड करुछि। आपण जदि मृत्यु संख्या विषय रे कहिबि आपण देखंतु भारत रे माने 15 दिन भितरे मे 15 भितरे मृत्यु संख्या होउछि 58,000 रु बेसी, किंतु एप्रिल मास रे मृत्यु संख्या होउछि 48,000 रु अल्प किछि बेसी।
आमे मृत्यु संख्या भी देखुचु बढ़ी चलीचे किंतु भारत रे गोटे भल जिन किसी राज्य रे इन्फेक्शन कमुचे मुझे अल्प किसी उदाहरण देवी दिल्ली रो देखो तो दिल्ली रो तीन सप्ताह बेस लॉकडाउन है दिल्ली रो जो पॉजिटिविटी रेट 37% थिला एबे आसी 11% रे पहुंचलानी एबे इन्फेक्शन 6000 अल्प किसी बेसी आप महाराष्ट्र कथा देखो मुंबई मॉडल पुणे मॉडल मुंबई रे पॉजिटिविटी 6% रे पहुंचलानी तेणु इन्फेक्शन कमुचे पॉजिटिव जिनस बहुत देखा मिलूँ किंतु ओडिशा रे इन्फेक्शन बढ़ुची एबे भी माने ठीक रे आमे कंट्रोल करि परि ना हो तेणु ए समय रे बहुत सतर्कता आमको अवलंबन करिया पई पड़िबो आ जो ब्लैक फंगस विषय रे आपण कहतले ब्लैक फंगस होइछि ओडिसा रे जणकर मृत्यु होइछि आमे ताको बंचै परि ना हो किंतु ब्लैक फंगस विषय रे आतंक होबा उचित न हो आमे कोन करिया पई पड़िबो सर आसीबे ए प्रसंग उपर भी आलोचना करबा आसीबे आपण को पाख को एति पई पचली कि आपण डेली कोविड रोगी को संस्पर्श रे आसुचंती से मान को चिकित्सा करूचंती कि आपण को प्रकृत स्थिति जणा अछि सेति पई आपण को स्थिति विषय हि पचली आसीबा आगो को एबे प्रफुल्ल बेहरा को पाख को जेबी जे अछंती आ जण चिकित्सक डॉक्टर बेहरा जति देखिबा कि जे जतबेला द्वितीय लहर आसिला आरंभ रु कुहा गला कि जे लॉकडाउन सटडाउन को शेष विकल्प भाव में निजी स्थिति अण है तो है लॉकडाउन सटडाउन कला किंतु एबे जेहेतु सबु नियम कटक दिगहरा एबे सहरांचल जाकि ग्रामांचल प्रवेश कला कोरोना और ग्रामांचल स्थित संगीन होगा लगला সেই একা জিনিস খালি সময় ব্যবধান হয়েছি এটা গত বছর আসছিল এবার এই বছর আসছি কিন্তু সেই একা জিনিস বহুত মারাত্মক রূপে আসছি আর আমার এই যা দেখু যে কোভিড ইনফেকশন রেটটা আস্তে আস্তে বড়ুছি মালকাঙ্গি জেলার সব কম ছিল 100 ছিল এবার আস্তে আস্তে বড়ি ছিল 110 না কেটে আজি গোটে হয়েছি তবে আমার খুশি লাগুছিল যে সোশ্যাল ডিস্টান্স যে হোম আইসোলেসন এমান সব দ্বারা এর সব রেটটা আমার কম ছিল কিন্তু আমি দেখু যে লোক মানে হোম আইসোলেশন যাচ্ছি সে স্ট্রিক্ট হোম আইসোলেশন রুল প্রটোকল সে মানু না যা দ্বারা আজিকাল মানে গাঁ রে বেশি সে ডিজিজ ইনফেকশন রেটটা বড় বড় চলছে মু লোক মানুষ এটি আডভাইস করবি যদি ঘরে হোম আইসোলেশন স্ট্রিক্ট ইয়ে না তাহলে আমার কোভিড হসপিটাল হোক কি ডেডিকেটেড কোভিড হসপিটাল হল কি কোভিড কেয়ার সেন্টার সেটি রয়েছে সব বেস্ট হুম আটলিস্ট আমি ইনফেকশন টা কমাই পারে বহুত লোক 90% লোক আসিমটোমেটিক থাকবে মাইল্ড সিমটমস থাকবে সেমানে সমস্তে রিকোয়েস্ট করছেন নাই স্যার আমি হোম আইসোলেশনে যাব তো মু এটি গ্যারান্টি কইবি সে 90% লোক মানকর সমস্ত কা ঘরে বি সেমতে গোটা পার্টিকুলার গোটে ঘর হোম আইসোলেশন পাই ঘর ন থাকে আমার সোসাইটি যে উড়িয়া আপনি সেটা অপ্ত কই মালকানগি জেলা লোক মান মু এটি অ্যাডভাইস সমস্ত হোম আইসোলেশন যদি তোমার ফ্যাসিলিটি আছে তাহলে যাও না নাই আমার গভর্নমেন্টের যে ফ্যাসিলিটি আছে তাদের আসি আইসোলেশনে রইলে সবটু ভালো হন্দা जो रेट आम कमे कमे आसीचु से कम रखिपर ताद्वारा डॉक्टर बबिता जदि देखा प्रथम लहर को देखी अति पाखर कहीं आम समस्ते प्राय घर रोचु कि डेली कोविड रोगी को संस्पर्श में आसुँच सब बड़े हस्पिटाल स्थिति देखुं तेज प्रथम लहर द्वितीय लहर भितर फरक कौन देखुं द्वितीय लहर के सांघातिक क्षमा करिबे बबिता मैडम आपंकर ऑडियो टिके अपडाउन होउछि आमे परवर्ती समय आपंकर सहित जोडिबा पई चेष्टा करिबु डॉक्टर साहू जदि देखिबा आपंकर जो अटकाई देथिलि कि जे ब्लैक फंगस उपरे मथे आमे आलोचना करिबा बोली कहथिले कि जे पूर्वर कह छौ कि जे फंगल इन्फेक्शन बा फंगस आगुरु थिल्ला किंतु एबे अधिक होउछि हुए तो स्टेरॉइड व्यवहार जोगु किंबा जो आईसीयू रे जो रोगी मारे रहउछन्ती जहांगो ठारे मधुमेह देखा देउछि जेतु कोरोना भूताणु अन्य रोगर मध्ये बाहक तेणु ब्लैक फंगस मध्ये देखा देउछि कुआ जाउतला कि जे ब्लैक फंगस किंतु मृत्युर कारण होई न पारे जो ओडिसा रे प्रथम ब्लैक फंगस रोगी चिन्हट होइतिले तांकर मृत्यु परे ओडिसावासी टिके डरी जाइछन्ती तो तांकर से द्वंद्व को दूर करिबा पई कोन परामर्श देबे एवं कोन पई तांकर मृत्यु होला आगरु से अति सीरियस थिले ना ब्लैक फंगस ही मुख्य कारण तपस्विनी मैडम जो ब्लैक फंगस विषय में कहउछु ताको म्यूकर माइकोसिस कहा जाए जेहेतु रंग ब्लैक ताको ब्लैक फंगस कहा जाए ब्लैक फंगस नॉर्मली आपण देखंतु माने हमर वायुमंडल रे हो बा सोइल रे हो माटी रे हो किछि खाद्य रे प्लांट रे भी ब्लैक फंगस थांती नॉर्मली ई किछि असुविधा करंती नाही हमर देह को आसीले किछि प्रॉब्लम करंती नाही जो मनकर इम्युनिटी कमी जाय
जो विषय डॉक्टर गुलेरिया कहते बेसिकली देखा जा मान भारत तथ्य हूँ जो मान पाखे डायबिटिस अच्छी डायबिटिस कंट्रोल कोरोना इनफेक्शन जो मान स्टेरॉइड दौ से क्षेत्र में बेसी देखा जा मान देखा क्या पाखे जहाँ रोग प्रतिरोध शक्ति कमी ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस देह को आसिया पर तार भयावहता सृष्टि कर ब्लैक फंगस कौन करे बेसिकली आम जो साइनस अच्छी जो लंग्स अच्छी छड़ा साइनस पाखे आखि अच्छी ब्रेन को सब जिनस को एफेक्ट करे तेणु ब्लैक फंगस विषय व्यस्त हवा उचित नुह ब्लैक फंगस आगुरी भी देखा जाए आगुरी बेसी देखा जाए कहीं नॉर्मली नॉर्मल लोक प्रॉब्लम करे जेहेतु एवं कोरोना बढ़ी बढ़ी चली संख्या बढ़ी चलती हॉस्पिटल एडमिशन बढ़ी चलती डायबिटिस होती भारत में बहुत संख्यार डायबिटिक लोक अच्छा जितने एडमिशन होती सीरीयस लक्षण में आम स्टेरॉइड दौ जीवन बचाया जहाँ फल इम्युनिटी आहरी कमी जाऊँगी तेणु ब्लैक फंगस असुविधा करुच्ची जो मैंने आईसीयू में बेसी दिन रोचे क्षेत्र में जो मान इम्युनिटी कम अच्छी किसी कैंसर हो ट्रांसप्लांटेशन हो एचआईवी हो अलग किसी रोग हो किसी इम्युनिटी कमे मेडिसिन खाऊ तेणु गोटे जिनस कह जो मृत्यु जो बहुमूल्य जीवन के बचे पारू ना से दुईटा जिनस कहकर ब्लड फंगस ट्रिटमेंट कर द्वितीय जिनस हूँ हार्ट भी इफेक्ट था हार्ट इफेक्ट जो मृत्यु कि तो गोटे जिन कहि जिते बड़े ब्लैक फंगस विषय इनफेक्शन आसला बढ़ी बढ़ी चलला सब बेसी देखा जा महाराष्ट्र गुजरात में मानते ब्लैक फंगस को आम जो इयरली डायग्नोसिस प्राथमिक अवस्था चिन्ह नपरबू ट्रिटमेंट कर नपरबू भारत तथ्य कहूँ 50-80% लोक बचे हम ना तेणु एवं समय आसी जाइए व्यस्त हमने ब्लैक फंगस को प्रथम केमती एवोड करू जो जिन सेकेंड हूँ प्राथमिक अवस्था चिन्ह करू जदि ट्रिटमेंट करू ब्लैक फंगस को भल कर गोटे जिनस कह जिते बड़े रोगी मानते सुस्थ हे घर को जाऊंट घर को जीवापर से संपूर्ण भाविबा उचित नुह जे मु पूरा पूरी भल हो गली कोरोना मो देह ना कोरोनार प्रभाव मटे ना घर को जीवापर भी से दृष्टि देवाप पड़ो जे से डायबिटिस कंट्रोल अच्छी कि नहीं सेमाने बाहर को बेसी न जातु एक्सपोज बेसी न होंतु कारण वायुमंडल में विभिन्न जगह जो कंस्ट्रक्शन होउची जी माटी काम बा गोबर रे काम करुछंती से सब जगह रे इन्फेक्शन बेसी आसर चांसेस होचे से ध्यान देबा पई पड़िबो घर को जीवा परे भी सेमाने देखिबे किछ दे लक्षण देखा जाउची ब्लैक फंगस से लक्षण पास होरिची ताहाले चिन्हट हेले आमे ट्रीटमेंट करि पारिबो आ गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न ई जो ब्लैक फंगस एबे वर्तमान अधिक देखा जाउची कि जे कोरोना हेथिबो सेमानुकु आ तांको ठारे पूर्वर मध्य कर्कट रोग थी कि डायबिटिस थी जो मानकर साइनस प्रॉब्लम थी तबे समस्त मध्य जो ब्लैक फंगस नहीं कि एका प्रकार सिम्टम देखा जाए ना अलग अलग प्रकार ब्लैक फंगस बेसिकली ये फंगस आगुरी भी अच्छी आगुरी जो मानकर इम्युनिटी बहुत कमी जाए आम देखी लिटरेचर रे डिस्क्रिप्शन कितु बहुत बेसी आम देखी नथिलु एबे ये तो इन्फेक्शन बहुत बढ़ी चली हॉस्पिटलाइजेशन बेसी होउचंती आईसीयू रे बेसी दिन रहउचंती सेमन को क्षेत्र आम देखौछु ब्लैक फंगस देखा जाउची आ ब्लैक फंगस देखा गले सिम्टम होउछि एकटा ब्लैक फंगस प्रथमे साइनस के इफेक्ट करियो प्रथमे कोन हबो गोटे पटे मुंड बिंधिबो नाक जाम हे जिवो तापरे तापरे कोन हबो नाक रे किछि ब्लैक रंग रो किछि रेड रंग रो डिस्चार्ज हबो तापरे आखिर दृष्टि शक्ति कमी जिवो ब्रेन इफेक्ट गले चेतना शक्ति कमी जीव लंग्स इफेक्ट हेल्ले ज्वर हम निश्वास कष्ट हम तापर नाक ऊपर लाल ब्लैक ये सब लक्षण आगुरु भी देखा जाउथला किंतु एबे जेहेतु इन्फेक्शन कोरोना रे बहुत बढ़ी जाउची आउ इम्युनिटी कमुची लोकंकर सेही समय रे स्टेरॉइड आमे दउची सेपई एबे कुहा जाइची एसओपी जारी करा जाइची स्टेरॉइड को प्रकृत रे यूज करा जाउ कारण स्टेरॉइड जीवन बचाउची आमे जानिचु किंतु स्टेरॉइड को मिसयूज न करा जाउ मिसयूज करले कोन होउची एबे कोन देखा जाउची किछि दिन पूर्वरु जो माने घरे अछन्ति सेमाने मध्य स्टेरॉइड खाउचन्ति सेमती करा न जाउ स्टेरॉइड को मिसयूज करा न जाउ ठीक भाव रे यूज करा जाउ ता फले कोन कोन ब्लैक फंगस इन्फेक्शन जो आसुची कमी जीवो तापर हॉस्पिटल रे जो माने आईसीयू रे रहउचन्ति हॉस्पिटल एटमॉस्फेयर हो आईसीयू केयर रे आमे ध्यान देबा पे पड़ो जो ब्लैक फंगस केमी रोगी देह को न जाऊ तेणु आम जी मैंने प्रिकसन नबू ब्लैक फंगस केमी आम देह को न आसो आम जब शीघ्र चिन्ह करू लक्षण को ट्रिटमेंट करू ब्लैक फंगस को भल करू आतंकित हम मोटे उचित नुह सरकार गोटे एक्सपर्ट कमिटी भी कर सारे ओडिशार हरियाणा सरकार भी नोटिफाइल डिजिट कर सारे तेणु समस्त सतर्क अच्छा व्यस्त हवाना।
सर आज से आम टपिक बाछल कहीं आज जो सबुठ खबर प्रसारण हो जे राज्य में चिन्ह होता प्रथम जो ब्लाक फंगस रोगी मृत्यु होती लोकंर भय गोटे आम पास उद्देश्य अच्छी से सचेतन कराइबा आज भय अच्छी ता दूर कराइबा फिर भी आप डॉक्टर बेहरा अनेक समय धरी आम सहित अच्छा डॉक्टर बेहरा भी जब देखा जो संगरोध केन्द्र कर जो माने प्रवासी आसुले से रखा जाता है प्रायत प्रवासी एवं पजिट चिन्हट होती कितु कथा हो जो माने संदिग्ध कोरोना संदिग्ध से माने ही से संगरोधरे रोना तो कौन कर उचित आइसोलेशन रखा दरकार कारण आम जो टेस्ट आम कर देखु टेस्ट रे अधा लोक पजिट आधा लोक नेगेट आज नेगेट पेसेंट मैंने आसान देह लक्षण किसी मानने कोविड लक्षण रोचे कि टेस्ट आम नेगेट आसतु आम जाने आंटीजेन टेस्ट हंड्रेड परसेंट ये नुह जो मैंने जो प्रवेशी बाहर आसिले समस्त को आम आइसोलेसन कर रखिले भल हाँ जहाद्वारा कि आम जो इनफेक्शन रेट हाँ बहुत कंट्रोल कर डॉक्टर साहू जो आलोचना करुचे ब्लाक फंगस आउ गोटे मो मन में द्वंद्व रही जाइए मुझे निजे कन्फ्यूज अच्छी जो कहले कि अधिक फंगस आक्रांत करे साइनस जो जगह थाए तो साइनस पेसेंट मैंने अधिक हूँ सतर्क रहा आवश्यकता रही कि आउ गोटे कथा है जदि जड़े कोरोना रोगी भल हो घर रही ब्लाक फंगस देखागला तो फैमिली आउ क्या व्यापार संभावना रोचे कि अबे जहाँ जानिचो ये ब्लैक फंगस जो मन को इम्यूनिटी ठीक अच्छे नॉर्मल लोक घरे कौनसी असुविधा करिबो नहीं ओके किंतु को मन को असुविधा करिबो जहाँ को इम्यूनिटी कमी जाइछि कोरोना जो हो डायबिटीज जो हो स्टेरॉइड जो हो बा किसी रोग अच्छे कैंसर हो एचआईवी हो तेणु जो मैंने कोरोना द्वारा आक्रांत होती घर को फेरी से ध्यान रखा उचित सपोज से डायबिटीज अच्छी घरे जावा डायबिटीज केमती ब्यूटीफुल कंट्रोल र तापर स्टेरॉइड सेमती किसी मेडिसिन नेबे नाही जदि किसी इम्यूनिटी मेडिसिन नौ मानते इम्यूनिटी कमेबा मानते किसी गोटे रोग में आम इम्यूनिटी कमेबा मेडिसिन दौ जदि नौ डॉक्टर को परामर्श करेंगे सब इम्पोर्टेंट पॉइंट गोटे जिनस कह घर को जीवापर से भावना उचित देहरे कोरोनार प्रभाव रहिबो संपूर्ण सुस्थ हो ना तेणु किसी पदक्षेप नाप पड़ो केमी से भल रे पदक्षेप कौन जदि डायबिटीज अच्छे डायबिटीज केमती कंट्रोल ठीक रे देखिए से घर को जीवापर बारंबार बाहर को जीवे ना कारण गोटे रिस्क अच्छी केत जगह ब्लाक फंगस देह को आसीपे तृतीय हूँ घर को जीवापर टे लक्ष्य रखिए किसी लक्षण देखा जाऊँगी लक्षण देखा जाऊँगी प्राथमिक अवस्था आम चिकित्सा करू ब्यूटिफुल मेडिसीन अच्छे से भल कर तेणु व्यस्त हवा मोटे उचित नुह से घर को जीवापर टे ध्यान रखा उचित जहाँफल आम या ट्रिटमेंट करू से सरकार उपयुक्त पदक्षेप नहीं सारे व्यस्त हवा आतंक हवा आज्ञा डॉक्टर बेहरा जेतेबेले लोके आसुछंति हॉस्पिटल को साधारण जरथंडा हेले तो शीघ्र आसु नाहंति मनउणा करुछंति एवं डरी जाउछंति मेडिसिन स्टोर रु मध्ये मेडिसिन आनी कि खाइ दउछंति एवं कोरोना रो विभिन्न दिग उपर आमे पूर्वरु मध्ये अनेक आलोचना करिछु सबु दिन लोकंकु सचेतन कराउछु तथापि अधिकांश गां लोके एबे बि सचेतन होउनांति कहउछंति आम गांकु कोरोना आसिनी आमर किछि होबनि जेमति बाहागर भोजि भात चले सबु किछि चालुछि तार मध्ये जो माने संगरंध केन्द्र रे रहउछंति से माने घर को पळै जाउछंति तो तांको परिवार वर्गों को कौन गोटे परामर्श देबे जो माने संगरोध केन्द्र रु बाहर को जाउछंती से गां लोक मानको कौन परामर्श देबे कालिकर ओडे एग्जांपल देबे हम काजुअल राती 9टा बेले ओडे पेशेंट आसीला रतन सरकार बोली से पडिया साइड रो जर होतला काथ होतला गोटे सप्ताह हलानी तर कोविड एंटीजन टेस्ट कला तो पॉजिटिव आसीला कला सर आम घरे समस्त लक्षण थिला समस्त भल हो गले मोर काश कमुनी और जो टेस्ट कला तो तार पॉजिटिव है कला सर तक टेस्ट करी कि ना मुझे हाँ करवा दरकार ना ना से भल अच्छा घर रही है टेस्ट करी कि मैडम देखु से घर जो अच्छा यार जेहतु लक्षण कमुनी से आसला घर जो चार पांच जन मेम्बर अच्छा सियोर मुझे मो अनुमान जीतिके आम कहीपर ही पॉजिटिव थी से तार सप्ताह आगु गाँव में गोटे भोजी होता से गाँव में समस्त जाते भोज खाया फैमिली मेम्बर भी समस्त जाते समस्त सिम्टम देखेला यार सिम्टम न कमला से आसला मुझे ये आडवाइस देवा चाहती घर जहाँ जहाँ सिम्टम्स होती समस्त आस दयाकोरी टेस्ट करूँ टेस्ट कला द्वारा कौन करें जापरले आम निजे निजे आइसोलेसन रही पार
लोक मैंने बहुत भावुंत मरे मुझे फ्रिज पा पीदेली मोर थंडा होली गोटे काकुड़ी खाई से मोर थंडा काश हो बहुत लोक कम्प्लेन से केवे राजी होना जे एटा कोविड पे हो तो मुझे दही पीदेली मतलब थंडा होगा सर मत थंडा सोटे लिखि दिंतु यहां चिंताधारा न करूँ एवं जेकोसी ज्वर थंडा काश जहां मैंने फास्ट आमको कोविड भाग पड़ो अनलेस अदरवाइज आम कोविड टेस्ट कर नेगेटिव न करे आउ किसी कारण मुंडे पड़िया कथा नुहे आउ गाँ गए ये सब ये होने समस्त ये करते ना ये मोर थंडा ज्वर एटा कोविड के नुह से फैमिली कथा देखो से पिला जहां हूँ एवं भल अच्छी मुझे फोन कर बुझी से आम कोविड केयर सेन्टर अच्छी माइल्ड केस है कथा से बहुत खुशी है ना सर मोर टेस्ट करदे भल होगा मुझे आसी भल अच्छी आ घर भी फोन करी घर समस्त भल अच्छा मुझे घर लोक टेस्ट करा तो ना सर से तो दस दिन है मुझे करेबी आज भी कथ हेली मुझे मोर एति उपदेश गाँ गए जहां भी लक्षण देखा समस्ते टेस्ट पाई आसतु टेस्ट द्वारा आम कौन कि आटलिस्ट आम कई जन को आप्रेड न करेंगे निज आइसोलेसन को रखिपर आक मैंने जो भूल धारणा जो बिना ये कारण कौन ना मुझे फ्रिज पा पीदेली भी मोर थंडा होगा काकुड़ी खाईदे भी थंडा होगा से धारणा ये करूँ एवं कोविड टाइम जहां भी थंडार लक्षण देखा फास्ट कोविड बोली भावतु आगे कोविड टेस्ट कलापर जब नेगेट होती आप अलग कथा फ्रिज पा कि काकुड़ी से कथा भावतु मोर एति उपदेश आज्ञा सर आशा करुच्ची जो दर्शक बंधु मैंने थे आपदेश मानवे आप बढ़िया कथा कहले लोक मैंने सब बेले नेग्लेक्ट कर सब कथ को वर्तमान डॉक्टर बबिता रमणी आम सहित मैं जोड़ीगले मैडम प्रथम लहर द्वितीय लहर भितर केमती फरक देखुं आग को तृतीय लहर आसे आसब जो आशंका कराई पूर्व प्रस्तुति आरंभ कराईगला तेज गोटे के बड़ चैलेंज रोचे आप प्रथम लहर में कहीं स्टार्टिंग लॉकडाउन करा ही थी पिला सुना जा आज्ञा कौन तो मैडम सुनी पार छो हेलो आज्ञा कौन तो मैडम सुनी पार छो हाँ प्रथम लहर स्टार्टिंग लॉकडाउन करा ही था बहुत कम संक्रमण स्टार्टिंग मझे लॉकडाउन टिके लूज करा संक्रमण टिके टाइम रे प्रथम लॉकडाउन करा हेला ना कहीं से जनवरी फेब्रुवरी मास रे भाविले कि कमी गला ऑलमोस्ट सरीगला कोरोना से बेची चिंता न करी जिते सडनली वन मंथ रे फिफ्टीन डेज रे फिफ्टीन एप्रिल रु ओडिसा रु फिफ्टीन एप्रिल रु थर्टी एप्रिल पर्यंत सब आईसीयू फुल हॉस्पिटल बड़ा चिंता ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेवल कमुच संक्रमण हो एबे आमे निजे डॉक्टर माने जो माने देखुछंती कि हां ए सिम्पटम होची तांकर कोविड रो पूरा सब सिम्पटम होची तांकु कोविड हॉस्पिटल जबा कोता किंतु टेस्ट रिपोर्ट आ टाइम लागछी आ एंटीजन सब बले पॉजिटिव आसुनी आरटीपीसीआर बले पॉजिटिव आसु को 2-4 दिन पारी जोंची से टाइम रे पेशेंट को कंडीशन या तो बहुत सीरियस होची या फिर से बहुत मानकु संक्रमण फैले कि रोकि जोंची सेम टाइम पीरियड ता हमें सेव करि परिबा एबे जो भूल आछी तो एबे एडमिशन जो होई छी बिजनो को एडमिशन रेट छी तेका भी बढ़ी गला नी थर्ड वेव आसीले जागा को मिले सेटा इंपोर्टेंट जिंस तापरे थर्ड वेव केते संक्रमण को केते आक्रामक हो केते फटल हो सेटा भी हम माने छी कहि परुनु समस्त जन छथि म्यूटेंट वेरिएंट सब बले पूर्णा मेडिसिन को आ पूर्णा टेस्ट को एते सेंसिटिव होनती नी चैलेंजिंग ज्वर टाइफॉइड मलेरिया टेस्ट पॉजिटिव पॉजिटिव
କାହିଁକି ତାର ଆଣ୍ଟିବଡି କ୍ରସ୍ ରିଆକ୍ଟ କରେ ଟାଇଫଏଡ୍ର ଟେଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ପଜିଟିଭ୍ ଆସେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଟାଇଫଏଡ୍ ଭାବିକି ରୋଗ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଘରେ ଆଉ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଅନ୍ୟ ସୋସାଇଟିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସଂକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ଏବେ କି ଆମେ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୱେର୍ନେସ୍ ଦେବା ଆମ ପାଖରେ ବେଡ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଇସିୟୁ ଆୱେର୍ନେସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୱେର୍ନେସ୍ ଜେନେରାଲ ଏଇ ସବୁ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ କାହିଁକି ନା କରୋନା ସମ୍ପର୍କିତ ଯେତେ ତଥ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଲେ ବି ଯେତେ ସଚେତନ କରାଇଲେ ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ଜାଗାରେ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ରହୁଛି ଏସବୁ ତମାମ ଦିଗ କାରଣରୁ ହୁଏତ କରୋନା ସ୍ଥିତିକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆୟତ କରାଯାଇପାରୁନି ଯଦି ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନିବା କେବଳ ସରକାର ଯେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରିଦେଲେ କରୋନା କମିଯିବ ତାହା ନୁହେଁ ଆମକୁ ତାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ କରୋନା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରୁଛୁ।